फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव कंज्यूम्ड अ कॉन्टेंट जो कि स्टार वॉर्स का आई एम अग एम सी यू फैन बिग डी सी यू फैन स्पेशली जैक्स नाइटर वाला डी सी यू आई लव अ लॉट ऑफ पॉप कल्चर चाहे म्यूजिक हो बट ऑल माई लाइफ मैंने सिर्फ स्टार वॉर्स का नाम सुना था आई हैव नवर प्लेड अ सिंगल गेम और वॉज द सिंगल मूवी और रेड अ सिंगल कॉमिक और सी इन अ सिंगल वेब सीरीज मतलब कुछ भी नहीं आई डोंट नो एनी थिंग आई हैव सीन समीम्स लाइक यू वर सपोज टू ज्वाइन अज नॉट बिट्रेज एक वाली मीम बाकी मैंने कोई कंटेंट का कंज्यूम किया नहीं है तो जब मैंने कंटेंट कंज्यूम नहीं किया है तो मैंने सोचा क्यों ना क्योंकि मैं गेमर हूँ लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ स्टार वॉर्स मेरा प्लान था कि मैं अपने कदम स्टार वॉर्स की लोअर में भी रखूंगा आफ्टर इट इज़ ह्यूज यूनिवर्स जो कि ऑल द वे नाइनटीन सेवेंटी सिक्सटीज से चलता आ रहा है इस दिन तक एक कॉन्टिन्यूस स्टोरी लाइन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इस पर कदम रखा जाए एक्सपीरियंस किया जाए तो मैंने सोचा स्टार्ट करूंगा मैं विद स्टार वॉर्स ऑर्डर द वीडियो गेम जो कि ई ने बनाई एंड सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी रिव्यू मिले हैं एंड इट इज सेट टू बी द मिक्स ऑफ बोथ अनचार्टेड डार्क सोल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था टू ब्लेट क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने एक साल पहले ये गेम खरीद रखी थी कि मैं कल को खेलूँगा कभी बाईस सौ रुपये की खरीदी थी ग्राफिक्स लुक फिनोमिनल ऑल्सो आई वॉन्टेड टू यू नो एक्सपीरियंस अ गुड लिनियर सिंगल प्लेयर गेम जो कि मैंने की नहीं थी एक एक्चुअल अनचार्टेड टाइप की गेम मुझे एक्सपीरियंस करनी थी क्योंकि अनचार्टेड के सिवा टूम्रेडर दैट सेट मैंने उसके सिवा और कोई अनचार्टेड जैसे एक्सपोर्टेशन वाली एक गेम नहीं की है कंप्लीट तो मुझे वो करनी थी स्ट्रीम पर मैंने स्टार वॉर्स को खेलना शुरू किया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यू कैन चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ ऑलमोस्ट एलेवन अपिसोड की स्ट्रीम है जिसमें फिफ्टी से सिक्सटी मिनट्स का एक एपिसोड मैंने डाला है आई डोंट थिंक मैं जिंदगी में कभी भी स्टार वॉर्स को देखने वाला हूँ या खेलने वाला हूँ इस गेम ने इतने गंदी छाप छोड़ी मेरे मुंह पे इतनी गंदी लाइक like, मैं मानता हूँ कि मैंने कोई स्टार वॉर्स का कंटेंट कंज्यूम नहीं किया इस वजह से मुझे स्टार वॉर्स की गेम पसंद नहीं आई ठीक है सिंपल बात बट यार ये कोई अच्छी डायरेक्शन है अच्छी स्टोरी टेलिंग है जहाँ पर तुम्हें एक चीज़ समझने के लिए या नॉर्मली या इन्जॉय करने के लिए तुम्हें पीछे के पाँच सौ पार्ट देखने पड़ रहे हैं दिस डज नॉट मेक एनी सेंस लाइक एम सी यू की बेस्ट मूवीज़ जो हैं उनको तुम अगर देख रहे हो बिना किसी पिछली मूवी को देखे यू विल स्टिल लव दैम तुम्हें भले रेफरेंसेज समझना है उतना कनेक्शन फील ना हो बट यू विल स्टिल अंडरस्टैंड द बेसिक प्लॉट कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है स्टार वॉर्स जड है फोल एंड ऑर्डर तो ऐसी गेम है ऐसी स्टोरी है जिससे मुझे कम से कम स्टार वॉर्स की मूवीज़ तो देखना कंपलसरी है मुझे तभी समझ आएगा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि ये गेम कुछ भी समझाती नहीं है ये ठीक है मत समझाओ तुम स्टोरी मत समझाओ बट करेक्टर मोटिवेशन थोड़ी ग्राउंडेड रख दो जो आम इंसानों के बीच में तब देखो जेलसी गुस्सा बदला ये चीज़ें जो हैं ये आम लोगों की ज़िंदगी में होती है अगर जेलसी की स्टोरी या बदले की स्टोरी दिखाई जाए ना और उसमें कितनी भी लोअर डाल दें जो मेरे को नहीं पता है कितना भी यूनिवर्स की चीज़ें डाल दें मुझे नहीं पता है जेड आई स्टार वोकर जो भी है ये सब कुछ डालते हैं एक बदले की स्टोरी के ऊपर मैं खेल लेता कि मुझे पता है मेरे को ये करना है मेरे को बदला लेना ठीक है इस गेम की स्टोरी ऐसी है तुम्हें ये करना है क्योंकि ये मूवी में हुआ था ऐसा और मूवी में क्यों हुआ था उसका पता लगेगा एक वेब सीरीज़ में वेब सीरीज़ में क्यों हुआ उसका एक मूवी में लगेगा पता और उस वजह से तुम्हें इस गेम में ऐसा करना है ताकि जो एक मूवी इसके बाद बनी है वो वाली जो क्रॉनिकल हो जेड में चली समझे तो इसकी जो स्टोरी है इतनी बुलशिट वे ऑफ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है कि मेरा दिमाग खराब हो गया देख के कि ऐसे कैसे कोई स्टोरी बता सकता है इस तरह कैसे स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइज में नए लोग घुसेंगे ये एक्चुअली बात क्या है कि स्टार वॉर्स इज सच अ बिग नेम इन वेस्ट इंडिया में नहीं है बट वेस्ट में इतना बड़ा नेम है दैट स्टार वॉर्स को हर कोई जानता है नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द पीपल देर नो अ अटिल बिट अबाउट स्टार वॉर्स थोड़ा बहुत उनको पता है कौन कॉन्ट्रैक्टर क्या है ठीक है तो उनके लिए एक गेम बनी है जिनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो कि फोर्स क्या होती है डार्क फोर्स क्या होती है ये सब मेरे को कुछ नहीं पता एम्पायर क्या होता है मेरे को कुछ भी नहीं पता ना मैं जानना चाहता हूँ तो वो गेम खेलें तो वो ठीक है स्टार वॉर्स वालों को इतना कॉन्फिडेंस है दैट एवरी वन नोज कि फोर्स क्या होती है लाइट सेबर्स क्या होते हैं एम्पायर क्या होता है मेरे को तो पता नहीं है और ये सोचते हैं कि ऐसी पॉपुलेशन बहुत कम है जिनको पता ही होगा एंड दे लिटरली जस्ट क्रिएटेड अ गेम जो कि उनके लिए इनक्लाइंट है जिनको पता है कि स्टार वॉर्स क्या है इनक्लाइंट क्या पूरी उनके लिए है जो मेरा जैसा बेचारा नाड़ी है ना जिसको कुछ भी नहीं पता स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज़ का मूवीज़ का शोज़ का बुक्स का कुछ भी नहीं पता है उसको ये स्टोरी जो सर के ऊपर से जाएगी वो कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है तुम कौन हो तुम्हें क्यों मारा जा रहा है क्या तुमने गलती क्या की है तुम्हारे क्लाइन की क्या गलती है कुछ भी नहीं समझाया जाता कुछ भी नहीं ऐसे कैसे स्टोरी बन सकती है यार मैं वही बोल रहा हूँ अगर यहाँ पर एक रिवेंज का प्लॉट होता और फिर ना समझाते ना कुछ चलता है। पर इतना तहत्य कि तेरे किसी लव्ड वन को मारा है तुझे बदला लेना है बाकी अगर एक्स्ट्रा जानना है तो मूवियाँ देख ले तो चलता है इन्होंने पूरी स्टोरी इस तरह से बनाई है कि मूवी देख ले तभी समझ आएगा और वो मुझे बहुत बुलशिट अप्रोच पर लगी स्टोरी में तो मैं इसे लिटरली वन आउट ऑफ टेन देता हूँ बिल्कुल नींद वाली स्टोरी है कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एपसूट हेटेड द स्टोरी ऑफ दिस गेम लेट्स टॉक अबाउट गेम प्ले तो गेम प्ले इज़ वेरी वेरी अमेजिंग बहुत प्यारा गेम प्ले है आपको बॉल रनिंग देखने को मिलेगी रोप स्विंगिंग देखने को मिलेगी द कॉम्बैट इज ऑल्सो प्रेटी सेटिस्फाइंग लाइक अच्छा खासा है मैं कहूँगा कि जितना मुझे ब्लड ब्लडबॉर्न को पसंद है उससे 50 परसेंट तो है ही है ये और इसमें डिफिकल्टी ऑप्शंस भी हैं इफ़ यू स्केल इट अबव योर कपेबिलिटीज़ तो आ हो सकता है आपको ओर ऑदेंटिक एक्सपीरियंस मिले मैं ऐसे नॉर्मल पे खेल रहा था मी इट वॉज रिस चैलेंजिश अच्छी थी और लाइट सेबर के मैकेनिक्स बहुत अच्छे हैं तुम बुलेट्स टोच कर सकते हो फोर्स यूज़ कर सकते हो जो मुझे पता नहीं है क्यों है क्या है बस मैंने गेम से सुना है उसमें तुम टाइम स्लो कर सकते हो चीज़ें खींच सकते हो चीज़ों को धक्का दे सकते हो ये तीन चीज़ें अच्छी लगी मुझे गेम प्ले में अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है ऑलसो द एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी वेरी नाइस तुम घूम सकते हो जगहों में और जो सीनरीज हैं वो भी अच्छी हैं पर सीनरीज बहुत कम है इसमें तीन से चार तरह की लोकेशन में वैरायटी है वही पूरी गेम में छापी हुई है लाइक एक ग्रास है एक मशीनरी है एक बर्फ़ वाला है और एक थोड़ा हेलिश हेलिश सी बाइप है ये तीन जगह चार जगह हैं यही रिपीट होती रहती हैं बार बार बाकी इसमें जगह में भी कोई वैरायटी नहीं है चार जगह है अच्छी डेवलप्ड हैं बट उसको इतना एक्सटेंड खींच दिया है कि फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाता है और रही बात इसकी एक और वन ऑफ द वर्स्ट फीचर्स की वो एक्सप्लोरेशन में इसका मैप इसका जो मैप है ऑटो मैप बोलते हैं पता नहीं क्या इट इज़ सो बैड मैप डूम ट्वेंटी का मैप वॉज बैड वेरी वेरी हॉरेंडस बट इसका मैप इज़ ऑन बुलशिट लेवल ऑफ बैड एक्सट्रीमली बैड 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 मैप कुछ समझ नहीं आता है ये थ्री में बनाने की कोशिश की है क्या किया कुछ पता नहीं लगता तुम कहाँ हो कहाँ जा रहे हो मैप में लिखाएगा है तो तुम्हें ये चीज़ रिट्रीव करनी है यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो मैं कुछ समझ नहीं आएगा भाई मैं इतनी इतनी देर तक यूट्यूब पर जाकर सर्च कर रहा था कि ये जगह कहाँ पर है ये करना क्या यहाँ पर कैसे करना है और ठीक है चलो मेरा आई कम है मेरे को यूट्यूब की जरूरत पड़ी गेम अच्छे से डिजाइन है मान ली ठीक है पर जब मैं यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम ढूंढता हूँ फ़ॉर एग्जाम्पल की मेरे को कोई बॉल चाहिए मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि ये वाली बॉल कहाँ मिलेगी हाउ टू फाइंड द बॉल इन स्टार वॉर्स अगर मेरे में इशू है तो मैं वीडियो जब खोलूँगा ना तो उसमें सिर्फ कम व्यू होंगे पचास सौ पाँच सौ हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा कि हज़ार लोग हैं दुनिया के लोवेस्ट आई क्यू वाले उनको प्रॉब्लम आ रही है नहीं वहाँ पर फाइव हंड्रेड के वन हंड्रेड के इतने व्यूज़र कमेंट तो में सब लिख रहे हैं द डिज़ाइन इज सो अट्रोशियस और मुझे दूसरों के उसकी ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या लग रहा है मेरे को अपने ओपिनियन बताने के पर मैं फिर भी बता रहा हूँ एज अ प्रूफ कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं लग रही है मैप की और एक्सप्लोरेशन की सबको लग रही है मैप बहुत गंदे तरीके से डिजाइंड है और जो इन्वायरमेंट का डिज़ाइन है वो भी बहुत गंदा है तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम हो कहाँ पर अगर तुम यहाँ से आगे जा रहे हो तो तुम्हें कोई लैंडमार्क्स नहीं दिए गए हैं बिना मैप के गेम खेलने को तुम्हें लगेगा तुम उसी जगह पे हो जहाँ से आए हो क्योंकि वैरायटी नहीं है मैप में मैप सुंदर है सब है पर वैरायटी नहीं है यही चीज़ में डार्क सोल एल्डरिंग डरिंग वगैरह बहुत एक्सेल करती हैं तो तुम एक पॉइंट से दूसरे में जा रहे हो तुम्हें तो मैप की जरूरत नहीं है यू you नो know कि हाँ ये वाला लैंडमार्क जो है दूर से दिख रहा है तुम तो यहाँ पे यहाँ से आए थे ऐसा हुआ था और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोरेशन खुलती है इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल भी इट इज़ एब्सोल्युटली बैड जीरो आउट ऑफ जीरो मैप के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए ज़ीरो आउट ऑफ टेन दूंगा मैं इसको एक्सप्लोरेशन के लिए बाकी बात करें वॉइस एक्टिंग की काफ़ी प्यारी की गई है फेशियल uh, एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं स्टोरी मुझे सैडली समझ नहीं आई तो मैं इमोशनली कनेक्ट भी नहीं किया बट हाँ फेशियल एनिमेशन एंड वॉइस एक्टिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बेट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ग्राफिक्स आर ऑल्सो फिनोमिनल बहुत सुंदर दिखती है ये गेम और yeah. इसका जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस है गेम का वो मेरा फेवरेट था जब तुम एक फैक्ट्री में होते हो वैसी गेम रहती है तो मज़ा आ जाता है इन्होंने ओपन एंडेड बनाने के चक्कर में पता नहीं इस गेम का क्या बना दिया आई हेट इट दैट सो गाइज दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई एब्सोलेटली हेट स्टार वॉर्स मैंने बीच में छोड़ी ये गेम वन ऑफ द फ्यू गेम्स में से एक है जो मैंने स्ट्रीम के बीच में छोड़ी है मैं छोड़ता नहीं किसी गेम को कंप्लीट कर ही देता हूँ कितनी बोरिंग लगी जैसे कि माफिया माफी थी ये मेरे को छोड़नी पड़ी इतनी ज़्यादा घटिया इतनी ज़्यादा बोरिंग ना ऑडियंस को मजा आ रहा था ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है हाँ गलती मेरी है कि मैंने स्टार वॉर्स का कॉन्टेंट कंज्यूम नहीं किया पर गलती इनकी भी है यार इनको भी देखना चाहिए ना मेरे जैसा प्लेयर भी होगा जिसको कुछ नहीं पता स्टार वॉर्स का दे शुड हैव अ बिट मोर सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो लेट मी नो योर ओपिनियन आपको कैसी लगी होगी मालची नेक्स्ट टाइम टू एवरीवन पीस आउट